तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मैं फिर से पल्लव ब्लॉग्स के इस नए वीडियो पे। और फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स क्यों चल रहे हैं, जैसे कि आप एल्ट्रोज वाले वीडियो में देख सकते हैं कि 30,000 किलोमीटर जो है इस गाड़ी का पूरा हो चुका है। तो इस गाड़ी का जो है सर्विसिंग का डेट जो है वो आ चुका है दोस्तों। तो हर 15,000 किलोमीटर में जो है इसका मोबिल जो है वो पलटी होता है, यानी कि मोबिल जो है वो बदलाता है। तो समय आ गया है इसका जो है मोबिल बदलाने का। और किलोमीटर जो है मैं आपको दिखा दूं कि ये गाड़ी जो है कितने किलोमीटर जो है दोस्तों चली है। तो ये देख लीजिए 31,882 किलोमीटर जो है ये गाड़ी चली हुई है। आप सही से नहीं देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जो है कैमरा मैं सेट कर दूं। ये देखिए 31,882 किलोमीटर जो है ये गाड़ी चल चुकी है। तो आज हम लोग चल रहे हैं टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स चल के जो है सर्विस कराते हैं। कॉस्ट कितना आता है 30,000 किलोमीटर का, वो जो है मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या क्या जो है चेंज किया जाता है वो जो है मैं आपको बताऊंगा। नीति राज मोटर्स मोतिहारी में जो है सर्विस कराना है मुझे, और बहुत ही अच्छा जो है इनका व्यवहार है नीति राज मोटर्स वालों का। तो चलते हैं और आज जो है सर्विस कराते हैं और देखते हैं कि कितना का जो है घाटा बैठता है। टाटा मोटर्स नीति राज मोटर्स जो है पहुंच चुके हैं मोतिहारी वाले शोरूम पे। और काफी बढ़िया जो है ये शोरूम है। अभी तक तो मुझे कोई भी जो है दिक्कत शिकायत का सामना जो है मुझे नहीं करना पड़ा। भविष्य में क्या होता है वो भगवान जाने, लेकिन अभी तक एट द टाइम आज टिल डेट है आपका 13/3/2024 तक मुझे जो है गाड़ी में कोई दिक्कत जो है नहीं सामना करना पड़ा है। तो चलते हैं अंदर और गाड़ी का जॉब कार्ड बनवाते हैं। जॉब कार्ड बनवा के जो है सर्विस में देते हैं, और सर्विस में देने के बाद जो है आपको पूरे तरीके से जो है इलेबरेट कर देंगे। ये देख सकते हैं गाड़ी का जो है क्या कंडीशन जो है फिलहाल है। अभी एसी वेसी ये सब बाकी सब चीज़ें जो है मैं बताना है हमें उनको, अब सब चीज़ बता के जो है आपको अपडेट करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों 30,000 किलोमीटर की सर्विस जो है देख सकते हैं मोबिल जो है वो पलटा रहा है। और 30,000 किलोमीटर में बेसिकली वही मोबिल फिल्टर, एयर फिल्टर और एसी फिल्टर ये सब जो है वो क्लीन होता है। तो यही प्रोसेस है, गाड़ी जो है वो खड़ा हो चुकी है, बाकी सब प्रोसेस सेम ही होता है। पेट्रोल इंजन है तो मेंटेनेंस जान ही सकते हैं जो है वो कितना होगा। तो सीन यही है, काम जो है ये भाई कर रहा है। तो जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे जो है मैं आपको अपडेट करता हूँ। बाकी ये देख लीजिए गाड़ी जो है खड़ी हो चुकी है। और टाटा में जो है ये सब ये यहाँ का जो है सर्विस सेंटर है। तो सर्विस वर्क जो है वो डन हो चुका है। और बेसिकली एयर फिल्टर मोबिल और ब्रेक फ्लूड और ये वाइपर फ्लूड ये सब जो है बदलाया है। हॉर्न अभी जो है मैंने बोला है चेक करने के लिए। तो ये देख सकते हैं सीन जो है यही है फिलहाल। तो ये पार्ट जो है बदलाया है। कॉस्टिंग कितना आ रहा है ये जो है मैं अभी गाड़ी वाड़ी धुला जाती है, यहाँ से निकल जाती है, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊँगा। बाकी ये सफारी हैरियर वैरियर जो है बाकायदे यहाँ पर जो है ये सब लगी हुई हैं। अभी जो है रेनोवेशन का काम जो है चल रहा है। ये देख सकते हैं अंदर जो है ये सिटिंग एरिया है जो गाड़ी सर्विस कराएंगे उनके लिए। तो यही है, और सामने स्पेयर्स पार्ट्स है, और 1 2 3 4 5 6 7 बे है ये देख सकते हैं, और सातों बे का जो है काम ये है। तो चलते हैं हॉर्न दिखवा लेते हैं, फिर जो है आपसे बताते हैं प्राइस। पिछले 2 घंटे से दोस्तों इंतज़ार कर रहा हूँ, गाड़ी जो है सर्विस करके जो है वो आ चुकी है, यहाँ लगी हुई है। और पिछले 2 घंटे से बस जो है ये दो बंदे ही जो है वाशिंग में काम कर रहे हैं। बताइए इतना बड़ा जो है शोरूम है और वाशिंग में मात्र 2 बंदे, दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। कहीं से जो है ये फेयर नहीं है, कम से कम जो है 4 होना चाहिए, और 4 तो होना ही चाहिए किसी भी हालत में। और गाड़ी जो है यहाँ पे है खड़ी हुई है। अब देखते हैं कितना और समय लगता है, आपको एग्जैक्ट जो समय बता ही दूंगा मैं। ये समय देख लीजिए 3:45 जो है फिलहाल अभी हो रहा है। और समय एक बार कम्प्लीट होता है जैसा भी होता है, काम बिल जो है अभी दिखाऊँगा ही, लेकिन ये मज़ा नहीं आया आज। आज जो है दोस्तों मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी सर्विस में। तो दोस्तों समय देख लीजिए 5:22 और कब मैं वॉशिंग पे लगाया था उसके 2 घंटे पहले जो वॉशिंग पे जो है मैंने लगा दिया था गाड़ी को। तो वॉशिंग में जो है कितना टाइम लगा वो देख सकते हैं। इसके ऊपर क्या कमेंट करें क्या ना करें, ये जगह जगह की बात है। जहाँ जहाँ जो है जैसे लोग रहते हैं वैसे जो है वहाँ का सर्विस हो जाता है। यहाँ के लोग जो है थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर करना ज़्यादा जानते हैं, इस वजह से जो उनके साथ ऐसा होता है। लेकिन मैं तो जो भैया कंप्लेन कर दिया था इनको, जो है इनकी हालत ख़राब हो गई थी। और सीन यही है, गेट खोल दो भाई।
तो अभी जो है फिलहाल हम निकल रहे हैं, समय देख सकते हैं 5:25। सर्विस कराने आएंगे, समय लगता ही है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे सर्विस में समय नहीं लगा, यहाँ पे वॉशिंग में जो है समय लगा। तो अब बिल भी जो है आपको दिखाना है, और मूड थोड़ा अपसेट हो गया था इसी वजह से। हालांकि लास्ट में एक इतने अच्छे व्यक्ति मिल गए थे कि सर ऐसा नहीं वैसा समझा रहे थे। हालांकि सबके साथ जो है ऐसे ही होता है, कस्टमर केयर के बाद एक मेल इनके पास आ गया था वॉशिंग के लिए, हालांकि मैंने कंप्लेन कर दिया था इस वजह से। तो यही सीन है। और 30,000 किलोमीटर पर जो मोबिल वोबिल बदला चुका है, तो अभी मैं आपको जो है बिल दिखा देता हूँ कि बिल जो है वो कितना आया है। और बिल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मनी इज हनी, बिना मनी के कोई काम जो है दुनिया में होने नहीं वाला है। तो सबसे पहले क्या क्या बदलाया है वो देख लीजिए, और जो है आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ऑयल फिल्टर, ब्रेक ऑयल फ्लूइड, विंडशील्ड फ्लूइड, फिर रबर स्टॉपर, एयर फिल्टर, टाटा मोटर जेन्युइन ऑयल, और मेजर सर्विस। सर्विस कॉस्ट भी जो है लगा हुआ है 1450 रुपये। तो टोटल जो है हमको पे करना पड़ा है 4600 रुपये। ये पहले हमको बता रहे थे एस्टिमेट कॉस्ट जोड़े थे 4900, यानी कि 5,000 से 200 कम जोड़े थे, और मैंने कंप्लेन कर दिया इस वजह से। जो 200 रुपये कम किया उन्होंने, थोड़ा सा रिग्रेट माना है। अगर मैं नहीं किया रहता कुछ तो वो भी जो है वो पैसा ले लेते। एक चीज़ जो है आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि लेबर कॉस्ट में हर जगह जो है काफ़ी मतभेद होता है। एक एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि लेबर कॉस्ट जो है कितना पड़ता है। मैंने अभी फिलहाल नहीं पूछा, लेकिन अब टाटा मोटर्स जेन्युइन में मैं पूछूंगा कि लेबर कॉस्ट जो है कैसे कैसे जो है वो डिवाइड किया जाता है, क्योंकि लेबर कॉस्ट में ही दोस्तों खेला होता है। उसी में से जो है ये लोग माइनस करते हैं, उसी में से जो है ये लोग प्लस करते हैं। तो यही सीन है। सर्विस का कितना लेबर चार्ज है ये तो अब देख ही सकते हैं, मैंने आपको दिखाई दिया, लेकिन इसी में जो है खेला होता है दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो करो दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने भाई को। और बाकी ये देख ही सकते हैं गाड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, हर महादेव।